अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना, थोड़ी सी मज़े के लिए, जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है, मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले लें तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा, वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्कत के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्कत होती है ना उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्कत होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं मुझे भी होती है, तो वो तकलीफ़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्यों, मुशक्कत की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ी सी मुशक्कत की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्कत का वक्त तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है, और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुँच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन क्या होता है, वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़्याती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई और आप देख रहे हो आज जो मैं एक मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ, और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़ इस पर हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी।